जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम हैं मदनपुरा कुटी पर। देख सकते हैं यहाँ पर मंगलवार और शुक्रवार को बाजार लगता है। मदनपुरा कुटी का ये बाजार है और यह जो रोड आप देख रहे हैं, यह रोड जो मदनपुरा कुटी से कटाने टोला होते हुए खरचौली गया है, यह रोड पास हो गया है, पूरी तरीके से पास हो गया है। इसका बजट निकल गया है, लगभग 1 किलोमीटर का यह रोड है, लेकिन बना है मात्र 200 मीटर। आइए आज आपको इसकी पूरी हकीकत दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, और यह घोटाला किसके मतलब देखरेख में हुआ है, कौन घोटाला किया, कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में सारे चर्चा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यही है वह रोड जो सीसी ढलैया की गई है रोड की। यह रोड मदनपुरा कुटी से केवटाने टोला होते हुए खरचौली नहर के पुल तक जाता है और इस रोड के बारे में पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर लगा गया है जो शिलापट लगा गया, इस पर क्या लिखा है, जिला पंचायत महाराजगंज पंचम राज्य वित्त आयोग 2022-23 में इस रोड का निर्माण किया गया है। विकास खंड मिठौरा खरचौली नहर पुल से, देखिए स्पष्ट लिखा गया है, खरचौली नहर पुल से मदनपुरा कुटी तक खड़ंजा स्तर से सीसी कार्य। देखिए मतलब मदनपुरा कुटी से खरचौली नहर के पुल तक इसमें लिखा गया कि नहीं लिखा गया, देखिए लोकार्पण कौन किए हैं, पंकज चौधरी माननीय सांसद, जो बीजेपी के सांसद है पंकज चौधरी, माननीय केंद्र वित्त राज्य मंत्री हो गए हैं अभी, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसे जो रोड के कहीं ना कहीं उस उद्घाटन किया गया है, इसका मतलब पूरी तरीके से रोड पास हो गया है। देखिए श्री रविकांत पटेल माननीय जिला अध्यक्ष एवं प्रेम सागर पटेल, इन सब के गरिमामयी उपस्थिति में इस रोड का लोकार्पण किया गया है और पूरी तरीके से देखिए लिखा गया दोस्तों, खरचौली नहर के पुल से मदनपुरा कुटी तक खड़ंजा पर सीसी कार्य किया गया, लेकिन यहाँ लिख तो दिया गया है कि मदनपुरा, देखिए यही है मदनपुरा कुटी और यहीं से देखिए रोड निकला है, यह सीसी रोड बना है, लेकिन मात्र 200 मीटर ही आगे तक रोड बना है, जबकि लगभग 1 किलोमीटर का यह रोड है। तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि लगभग 80% इस रोड को बनाने में घोटाला कर दिया गया, और आगे की स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आगे स्थिति इस रोड की इतनी ख़राब है कि इस रोड में लोग व्यक्ति पानी लग गया है, जगह जगह लोग उसी कीचड़ कनी में आने जाने के लिए मजबूर हैं, इसी रोड पर आगे लोग कीचड़ कनी में आने जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि यह रोड पूरी तरीके से पास कर दिया गया है। लगभग 1 किलोमीटर का यह रोड है लेकिन मात्र 200 मीटर बनाया गया है, यानी 80% घोटाला किया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, तो इस बीजेपी की सरकार में ही भ्रष्टाचार चरम पर है, इस बात से आप अनुमान लगा लीजिए। चूंकि बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के ही मंत्री जी हैं, बीजेपी के सांसद जी हैं, और बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष कल्लू पटेल, और बीजेपी के ही यहाँ से वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य रविकांत पटेल कल्लू जी भी हैं, सब लोग बीजेपी के ही नेता लोग हैं, लेकिन सबकी देखरेख में सबकी नज़रों के सामने ही यहाँ पर 80% का घोटाला किया गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जो योगी जी और मोदी जी बड़े दावा करते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर 80% घोटाला हो जा रहा है, मात्र 200 मीटर रोड बना है जबकि 1 किलोमीटर रोड बनना था, मदनपुरा कुटी से लेकर खरचौली नहर के पुल तक सीसी रोड बनना था, मात्र 200 मीटर रोड बना, जो अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर इस घोटाले में किनका हाथ है और लोग पानी कनई कीचड़ में आने जाने के लिए मजबूर हैं। भैया कितना रोड बनल भाई, 200 मीटर तक, 200 मीटर तक बनल बा, मदनपुरा कुटी से खरचौली नहर के तक पास भइल बा, पास भइल का बाटा थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम आपको दिखाए हैं कि जो शिलापट लगा है इस पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है, मदनपुरा कुटी से खरचौली नहर के पुल तक ऐसे जो सीसी ढलैया की गई है, इसका कार्य किया गया है, लेकिन मात्र 200 मीटर कार्य किया गया है, और आगे स्थिति आप देख ही रहे हैं। देखिए आगे स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि सर किस तरह से कितना दिक्कत से लोग इस रोड पर आने जाने के लिए मजबूर हैं, जगह जगह कनई कीचड़ भास हो गया है, पानी लगा है, और इस बीजेपी के सरकार में आप विकास का जो दावा करने वाले लोग हैं उन्हीं के ही देखरेख में लगभग 80% का घोटाला हो जा रहा है। अरे रोडवा कितना बनल बा, 100 मीटर खरचौली लाइन भर ढलैया, देखिए दोस्तों जो अभी वो बच्चा दिख रहा है, अभी 200 मीटर मात्र ढलैया हुआ है, और जबकि खरचौली नहर के पुल तक ढलैया कार्य दिखाया गया है, और इसका बजट भी देखिए इसमें बजट के मारे जो इसमें लिखा जाता है, जब कोई देखिए दोस्तों जब कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य में दूरी लिखा जाता है, लेकिन दूरी इसलिए नहीं लिखा गया ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके, इसमें लागत कितना लगा है वो भी नहीं लिखा गया है, जबकि लागत इसीलिए नहीं लिखा गया ताकि जनता भ्रमित रहे और जनता को ये पता न चल पाए कि कहाँ तक कहाँ से कहाँ कार्य किया गया, लेकिन चूंकि जो भी कार्य होता है उसका दिया जाता है कहाँ से कहाँ तक दूरी है, तो दूरी तो भाई लिखना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी लागत नहीं लिखा गया है कि कितना लागत में इसका काम किया गया है, ताकि जनता भ्रमित रहे और जनता को पता न चल पाए कि कितना लागत आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, और जो घोटाला है या घोटाला दबी रहे, लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जागरूक हैं और पता लगा लिए कि भाई यह रोड जो है
खरचौली तक रोड बनना था तो मात्र क्यों 200 मीटर रोड बना। तो आप भाई स्थिति का अनुमान देखिए कि बीजेपी की सरकार में किस तरह से घोटाला हो रहा है, और जो चूंकि बीजेपी के ही सांसद मंत्री और विधायक सभी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर घोटालों का अंबार लगा, लगभग 80% का घोटाला हुआ है और जनता इसी कनई कीचड़ में आने के लिए मजबूर है। तो साथियों, आपको यह विकास कैसा लगा? 80% घोटाला वाला विकास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी इस घोटाले में जो भी लोग शामिल हैं, हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि ऐसे जो भ्रष्ट नेता हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो जनता का जो पैसा आता है काम के लिए उसे घोटाला कर लेते हैं, ऐसे नेताओं पर, ऐसे जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, सबके ऊपर कार्रवाई हो। और चूंकि यह बीजेपी दावा करती है कि हम तो विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो भाई साहब यही विकास है। जहाँ पर जिला महाराजगंज है, अभी ग्राम सभा मदनपुरा तहसील निचरौल के अंतर्गत यह काम हुआ है। अभी हमने बोर्ड आपको भी दिखाया कि किस तरह से 80% घोटाला हो गया और मात्र 20% काम किया गया है, और जनता कहीं ना कहीं जो आगे जो रोड टूटा है, कनई है, कीचड़ है, उसी कनई कीचड़ में आने के लिए मजबूर है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।